हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आज हम आपके लिए स्पेशल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और इस टॉपिक से हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं। जैसे कि हमारा देखिए पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है, कहता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 ठीक है बराबर व्हाट। यही हमारा पहला प्रश्न है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का वैल्यू क्या होगा, यानी मुख्य मान पर आधारित ये प्रश्न है बच्चों। ठीक है, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में हमारा देखिए ये जो है हमारा है ना 7π/6 है ना, इस एंगल का सबसे पहले ये हमारा रेडियन में है। सबसे पहले इस एंगल का निर्धारण करते हैं कि एंगल हमारा जो है ना किस हमारा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, यदि समझ में ना आता हो तो 7 × π के बदले आप 180 और बट्टा 6 कर दे, 6 × 3 = 18 यानी आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, जब 210 डिग्री आ जाएगा तो 210 का मतलब होता है हमारा ये हो गया 90, ये हो गया 180 और इधर 30। ठीक है, यानी 30 इधर और ये 180 इधर, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो हो गया हमारा हो गया 210। यानी कहने का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, ये एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय पाद, और तृतीय पाद में हमारा जो है हमको तोड़ा जाता है, याद रखना होगा π/θ या फिर हम 3π/2 − θ करके तोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है 7π/6 है, इसे हम तोड़ेंगे π + π/6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि cos है तो cos 7π/6 ठीक है, यानी कि हमारा हो गया cos, ये हो गया π + π/6 और तृतीय पाद में cos जो है हमारा निगेटिव वैल्यू देता है, कॉस जो है निगेटिव वैल्यू होता है यानी माइनस, ये हो गया −cos π/6। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इनवर्स आप लगा दो, कॉस इनवर्स ये −cos π/6 है, और आपको पता होगा कि जब कॉस इनवर्स में माइनस हो तो माइनस समाप्त करने के लिए इसे हम पाई में सब्सटीट्यूट करते हैं, घटाते हैं, ये हो जाएगा π − ये हो गया कॉस इनवर्स और ये cos π/6 अर्थात ये हो गया π − π/6 यानी कि 5π/6। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का जो वैल्यू होगा हमारा होगा 5π/6 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में अक्सर क्वाड्रेंट की चर्चा करते हैं, यानी पाद में देखते हैं कि एंगल हमारा कौन से पाद में जा रहा है, उस हिसाब से हम तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कि दूसरा हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है। दूसरा देखिए कहता है कि कॉट इनवर्स टैन π/7 का मुख्य मान ज्ञात करें, का मुख्य मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये मुख्य मान पर आधारित ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ टैन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इसका कॉट इनवर्स का प्रतिलोम फंक्शन जो है वो हमारा कॉट होता है, इसको कॉट में पहले हम लाना चाहेंगे। ठीक है, तो वो सबसे पहले ये हो जाएगा कॉट इनवर्स और ये हो जाएगा कॉट हमारा हो जाएगा π/2 और −π/7। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि कॉट 90 − θ जो होता है टेन थीटा होता है, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो गया, बच गया π/2 − π/7, इसका आप एलसीएम निकाल दो तो ये हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 7π − 2π यानी हो जाएगा ये 5π/14। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा इस तरह का प्रश्न रहे तो सबसे पहले एक ही हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन में लाने का प्रयास करेंगे, फिर इसका हल करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा हमारा है साइन इनवर्स और ये है sin 2π/3। ठीक है, तो ये पहला ही प्रश्न की तरह है कि इसका मुख्य मान क्या होगा। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था
किस एंगल पर विचार करेंगे 2π/3। ठीक है, 2π/3 का मतलब है 2 × 180/3, यह जगह 60 यानी 120 डिग्री। ठीक है, 120 का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक 90 और ये 30। ठीक है, यानी कि ये 30 हो गया, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक जो हो गया हमारा 120 हो गया। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएगा ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। जब हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसे आप जान लें, नोट भी कर सकते हैं कि ये π/2 + θ या π − θ करके रखते हैं। तो π/2 + θ यानी कि 90 के विषम गुणज का यूज नहीं करते हैं, 90 के सम गुणज का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा निष्पत्ति बदलता नहीं है। यानी इसे हम तोड़ सकते हैं 2π/3 को π − π/3। ठीक है, जब हमने तोड़ दिया, अब यहाँ साइन लगा दो आप, साइन ही हो जाएगा π − π/3, और साइन π − θ होता है साइन थीटा, यानी साइन π/3 हो गए। फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि साइन π − θ जो होता है ये हमारा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हल करने में त्रिकोणमिति फंक्शन का बहुत बड़ा योगदान है, उसे आप अच्छी तरह से देख लो। अब हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स और ये साइन 2π/3। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स और ये हो गया साइन π/3, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा π/3। ठीक है, तो यही बच्चों हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा ये π/3 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ये प्रश्न नंबर तीसरा है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे एग्जाम के जितने प्रश्न मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ उस आज के क्लास में सभी इम्पोर्टेंट हैं। ये क्या देखिए, कहता है 2 tan inverse 1/3 + tan inverse 1/7 = what। ठीक है, tan inverse 1/3 + tan inverse 1/7 = what। तो सबसे पहले इसको जो है ना हमें tan इनवर्स में बदलना होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ये होता है 2 tan inverse x = जो होता है tan inverse 2x/1 − x² होता है। इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या है, 2 tan inverse 1/3 = ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स हो जाएगा 2 × 1/3 / 1 − 1/3 का ये होल स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 2/3 / ये हो जाएगा 9 − 1/9। ठीक है, और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 × 9/8 हो जाएगा, यानी 3 × 3 ये हो जाएगा 9, और ये 2 × 4 = 8, यानी कि tan इनवर्स हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, जब tan इनवर्स 3/4 हो गया तब आगे हम सॉल्यूशन करेंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 और प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। ठीक है, और बराबर जो हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 3/4 प्लस हो जाएगा ये 1/7 / हो जाएगा 1 − 3/4 × 1/7। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हम यह हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 7 × 21 और प्लस 4 और 28 और ये हो जाएगा 7 × 28 − 3 और 28। ठीक है, यानी कि सब मिला के ये हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 25/25। ठीक है, इसे काट सकते हैं आप, और ये tan इनवर्स हमारा हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/4, यही इसका आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन tan इनवर्स π/4 होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, देखता हूँ और अगला प्रश्न क्या हो सकता है। तो देखिए, अगला प्रश्न भी काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार से है, आसान ही प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया था। ठीक है, ये पांचवा नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये पांचवा नंबर प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि cot इनवर्स 3 और प्लस cosec इनवर्स √5 = what।
ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में दोनों को एक ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में बदलना होगा, यानी कि या तो कॉट इनवर्स को आप बदल दो सेक इनवर्स में, ठीक है, या तो कॉसेक इनवर्स को बदल दो। सबसे पहले हमने एक फार्मूला बताया था थ्योरी की वीडियो में कि हम जानते हैं कि हमारा साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण बराबर जो होता है, कॉस इनवर्स आधार बटा कर्ण बराबर जो होता है, टैन इनवर्स लंब बटा आधार बराबर जो होता है, कॉट इनवर्स आधार बटा लंब बराबर जो होता है, सेक इनवर्स कर्ण बटा आधार बराबर जो होता है, कॉसेक इनवर्स हमारा कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, और सबसे पहले कॉसेक इनवर्स √5 बटा 1 कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एच बटा पी, अर्थात हमारा हो जाएगा h बराबर √5 और p बराबर हो जाएगा 1। यदि समकोण त्रिभुज बनाया जाए, ठीक है, और इसे थीटा माने हम, तो ये हो जाएगा p बराबर 1 और ये हो जाएगा h बराबर √5। तो यहाँ से हम b को निकालना पड़ेगा, b तो b आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, हो जाएगा हमारा क्या h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 5 - 1 यानी कि √4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कॉसेक इनवर्स √5/1 को हम टैन इनवर्स में बदल के देखते हैं। टैन इनवर्स लंब बटा जो होगा ये आधार होगा, तो ये हमारा हो जाएगा टैन इनवर्स हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1 और बाई 2, और यदि कॉट इनवर्स में यदि बदले हम तो कॉट इनवर्स हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो चूंकि हमारा प्रश्न जो है कॉट इनवर्स 3 और प्लस कॉसेक इनवर्स √5 था, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहला कॉट इनवर्स को रहने देते हैं और ये 3 हो जाएगा, और इसे भी कॉट इनवर्स के रूप में लिखते हैं, इसे ये फॉर्मूला का यूज होगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 2। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स बाई का हम फॉर्मूला लगा देंगे, जो होता है कॉट इनवर्स एक्स बाई माइनस 1/x+y होता है, ये फॉर्मूला का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 3 × 2 - 1 अब बट्टा हो जाएगा 3/3+2, यानी हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा 6 - 1/5, यानी कि हो जाएगा ये कॉट इनवर्स 5/5, यानी हो जाएगा कॉट इनवर्स ये 1, और कॉट में 1 जो वैल्यू होता है कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट π/4, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा π/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी यही है बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा इसका π/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। चलिए बच्चों और आगे बढ़ा जाए और छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या है, कहता है कॉस इनवर्स -½ = 8, ठीक है। तो जब कॉस इनवर्स में एक्स के रूप में निगेटिव ऋणात्मक चिन्ह हो, ठीक है, यहाँ पर क्या है ना ऋणात्मक प्रश्न है, यहाँ तक ऋणात्मक चिन्ह है, तो ऋणात्मक हटाने के लिए इसको पाई में सब्स्टिट्यूट करना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ये हाफ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कॉस में किसका वैल्यू हाफ होता है, तो ये कॉस π/3 का वैल्यू हाफ होता है, यानी π - π/3 अर्थात हो जाएगा 3π - π/3, यानी ये हो जाएगा 2π/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न में देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, हम देखते हैं कि सातवां नंबर हमारा प्रश्न क्या है, सातवां नंबर प्रश्न। तो देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या है, कहता है टैन इनवर्स x+y/1 - x y और -tan−1x, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले इसका आंसर कहता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसे हम तोड़ते हैं, पहले इसे हम लिख सकते हैं tan−x + tan−y, ठीक है, और ये −tan−x है, तो ये −tan−x + tan−x कट गया, यानी इसका आंसर हो गया tan−y, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं cot−1/y, दोनों में से जो भी आंसर होगा
उसको आप आंसर कर सकते हो, या तो इस टेन इनवर्स पे आंसर होगा या तो कॉट इनवर्स में आंसर होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये आठवां नंबर प्रश्न है, कहता है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का वैल्यू क्या होगा। कॉस इनवर्स कॉट 13π/6, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले एंगल पर विचार करेंगे। 13π/6 यानी हो जाएगा 13 × 180 अब बटा 6 × 6 = 18 द्वितीय 39 390 डिग्री, ठीक है। 390 डिग्री का मतलब हो गया, ठीक है, 390 का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा 360 और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, यानी प्रथम पाद में आएगा बच्चों। तो प्रथम पाद में हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे, कॉस 13π/6 बराबर ये हो जाएगा कॉस 2π + π/6 और प्रथम पाद में यानी निष्पत्ति नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बटा सिक्स, इसके आगे कॉस इनवर्स लगा दीजिए तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस पाई बटा सिक्स, यानी इसका आंसर जो होगा बच्चों π/6 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों नंबर नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर नंबर प्रश्न क्या है, साइन है और ये हमारा है सेक इनवर्स एक्स और प्लस है कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला है क्या, कि साइन ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई टू होता है, यानी साइन पाई बाई टू का वैल्यू एक होगा, इसलिए इसका आंसर बच्चों हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा इस सेशन का नंबर नंबर प्रश्न था। अब देखते हैं हम दसवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आज मैं काफ़ी सोच विचार करके आया था कि आज मैं जो है ना कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो चलिए अब दसवें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि दसवां नंबर हमारा प्रश्न क्या है। तो देखिए दसवां नंबर प्रश्न में क्या है कि कॉस इनवर्स 1 − x² / 1 + x² बराबर वाट, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में जब भी हो तो आप क्या करो, ठीक है, इसका दो तीन फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। कॉस इनवर्स 1 − x² / 1 + x² बराबर जो होता है ये साइन इनवर्स 2x / 1 + x² भी होता है बराबर टेन इनवर्स 2x / 1 − x² भी होता है और ये 2 tan−1 x के बराबर होता है, ठीक है। तो ये है ना हमारा कॉस इनवर्स का परिवर्तन साइन इनवर्स में हो गया, साइन इनवर्स का परिवर्तन टेन इनवर्स में हो गया, ठीक है। तो आप परिवर्तन करने के लिए भी जानते हो तो कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है, और इसका आंसर यही होगा 2 tan−1 x होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और ग्यारहवें नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और ग्यारहवें नंबर प्रश्न है कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 sin−1/2, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें बतानी है। तो देखिए इसका दो तरह से हम कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस इससे एक साइन इनवर्स 1/2 निकाल दो, बच जाएगा एक साइन इनवर्स 1/2 अलग से, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो गया पाई बाई टू और प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन पाई बटा सिक्स, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई टू और प्लस पाई बटा सिक्स, 6 × 2 = 6 ये हो जाएगा 3π और प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है, यानी हो जाएगा ये 4π/3 और ये हो जाएगा 4π/3 हो 4π/6 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2π/3, इसका आंसर 2π/3 होगा बच्चों, यानी 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा बेहतरीन प्रश्न है। चलिए बच्चों और आगे बढ़ा जाए, हमें बारहवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और बारहवें नंबर प्रश्न है कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर वाट, ठीक है। इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि साइन ऑफ कॉट, तो एक ही तरह का हमें रखना होगा कि यहाँ यदि साइन है तो यहाँ साइन इनवर्स में लाना है। तो मैं जो फॉर्मूला लिखा हूँ बार बार लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों कि साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण बराबर जो होता है कॉस इनवर्स आधार बटा हमारा कर्ण होता है बराबर टेन इनवर्स जो होता है लंब बटा आधार होता है, कॉट इनवर्स आधार बटा लंब होता है बराबर सेक इनवर्स कर्ण बटा आधार होता है बराबर कॉसेक इनवर्स जो है कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है।
ये फॉर्मूला आपको बार बार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है कि कॉट इनवर्स एक्स है ना, कॉट इनवर्स एक्स बटा ए, यानी इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स आधार बटा लम, यानी इसको हम समझ सकते हैं कि आधार बराबर एक्स हो जाएगा और लम बराबर एक हो जाएगा। तो आप एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लो और इसे आप थीटा कह दो समझने के लिए, तो ये लम्ब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, यानी हमें कर्ण निकालना होगा, ठीक है। तो कर्ण हम निकाल सकते हैं, एच बराबर जो होगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हमारा कर्ण जो होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब हम कन्वर्सन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है कि कॉट इनवर्स एक्स बटा वन, यानी कि कॉट इनवर्स आधार बटा लम बराबर साइन इनवर्स हमारा लम बटा कर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ साइन इनवर्स हम लिख सकते हैं एक बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर ले, यहाँ है साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि ये हो गया साइन, और इसके जगह पर हमने लिख दिया साइन इनवर्स वन बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और मुख्य मुख्य प्रश्नों को देखते हैं कि हमारा मुख्य मुख्य प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम अब 13वें नंबर प्रश्न की ओर मूव करने जा रहे हैं, ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न, 13वां नंबर प्रश्न क्या, ये भी एग्जामिनेशन में आ चुका है। कहता है टैन इनवर्स एक्स बटा वाई और माइनस ये हो गया टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई बराबर भाट, ठीक है। तो इसे आप क्या ना कि इसे हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके ही बना सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करें तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स वाई और ये माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई और बट्टा जो हो जाएगा वन प्लस एक्स बटा वाई और इंटू हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन किया जाए तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स माइनस वाई और बट्टा ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई और बट्टा जो हो जाएगा ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई और बट्टा हो जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जब चार लकीर है तो ये और ये तो हट सकता है आराम से, यानी हमारा हो जाएगा टैन इनवर्स सीधे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई और माइनस हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और बट्टा यहाँ हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों यहाँ पे कट रहा है और ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या धोखा नहीं खाना है कि हमें क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। सॉल्यूशन पर थोड़ा सा विचार करना है, ये हो जाएगा एक्स ये हो जाएगा माइनस प्लस बाई स्क्वायर, इसका आंसर यही आएगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन जब भी करें ना तो प्लस माइनस चिन्ह पर ज़्यादा फोकस करें कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, तो इस तरह के प्रश्नों में अक्सर परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आप परेशानी में फंस जाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, 14वां नंबर प्रश्न जो है, देखिए क्या है। कहता है कि छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं ज़्यादा बेहतर होगा ना, कि टैन इनवर्स वन बटा फोर प्लस है टैन इनवर्स टू बटा नाइन बराबर भाट, ठीक है। तो यहाँ टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, टैन इनवर्स हो जाएगा एक बटा चार प्लस दो बटा नौ बटा हो जाएगा एक
माइनस एक बटा चार गुने दो बटा नौ, एल सी एम इसका लेंगे टेन इनवर्स हो जाएगा ये, नौ प्लस ये हो जाएगा आठ, बट्टा हो जाएगा नौ चौक छत्तीस, और बट्टा जो हो जाएगा ये हो जाएगा छत्तीस और माइनस हो जाएगा दो बटा छत्तीस, यानी कि टेन इनवर्स जो हो जाएगा ये हमारा नौ आठ सत्रह बटा छत्तीस और गुने हो जाएगा छत्तीस बटा हो जाएगा चौंतीस। ठीक है, छत्तीस छत्तीस कट गया और ये टेन इनवर्स हो जाएगा सत्रह बटा चौंतीस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स वन बाई टू। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों टेन इनवर्स हाफ होगा, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो इस तरह का प्रश्न भी हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और बेहतरीन प्रश्न हमारे सेशन का, कि सेशन में और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है। तो देखिए ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है मेरे हिसाब से। ठीक है, सताइस नंबर प्रश्न है, सताइसवां नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, कहता है कॉस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ये कॉट इनवर्स, ठीक है, बराबर व्हाट। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन पीछे शुरुआत करते हैं कि कॉट इनवर्स की जगह पर हमको क्या करना है, साइन इनवर्स लाना है। ठीक है, तो इसका एक ही विकल्प है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं कि कॉट इनवर्स लंब बटा आधार बटा लंब बराबर जो होता है साइन इनवर्स हमारा लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, यानी कि हमारा दिया हुआ है कॉट इनवर्स एक्स बटा वन बराबर कॉट इनवर्स ये हो जाएगा आधार बटा लंब, अर्थात बी बराबर एक्स हो जाएगा, पी बराबर वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एच निकाल लेंगे कर्ण, कर्ण जो हो जाएगा एक प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स लंब बटा आधार बटा लंब बराबर जो हो जाएगा साइन इनवर्स ये होगा लंब बटा कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स एक्स बटा वन बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने सबसे पहले साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा साइन ऑफ ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये बचेगा वन बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, इसके आगे टेन इनवर्स लगाना है। ठीक है, टेन इनवर्स लगाइए, टेन इनवर्स साइन ऑफ ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेन इनवर्स ये हो गया हमारा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा इसके आगे क्या है, कॉस है। ठीक है, यानी कॉस ऑफ ये हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कॉट इनवर्स को हमको टेन इनवर्स को हमको कॉस इनवर्स में बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे कि फिर से यहाँ पे कि टेन इनवर्स वन बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम कहेंगे टेन इनवर्स लंब बटा आधार, यानी कि हो जाएगा लंब बराबर एक, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पे क्या है ना कि कर्ण निकालना होगा, यानी कि हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एक का वर्ग प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू जो हो जाएगा वन प्लस ये वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे बच्चों कि टैन इनवर्स लंब बटा आधार बराबर हमारा कॉस इनवर्स है ना आधार बटा कर्ण होगा, यानी कि टैन इनवर्स ये हो जाएगा वन बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ कॉस लगाते हैं, कॉस ऑफ टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू, अब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, यही हमारा क्या है ना बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्सन दो बार यूज किया गया फार्मूला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन पा लिया।
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न में अक्सर बच्चे धोखा खाते हैं, इसलिए मैं कुछ सिलेक्टेड प्रश्न ही आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 28वें नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि 28वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, देखिए 28वां नंबर प्रश्न हमारा यहाँ है। ठीक है, 28वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि टैन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ बराबर व्हाट। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए ये तो हमारा बदल जाएगा, इसके जगह पर हम पाई बाई टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा टैन इनवर्स, ये हो जाएगा टैन पाई बटा फोर प्लस ये पाई बाई टू, यानी पाई बटा फोर प्लस पाई बाई टू, एलसीएम हो जाएगा चार दो का चार, ये पाई प्लस टू पाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा थ्री पाई बटा फोर। यही हमारा आंसर होगा बच्चों, थ्री पाई बटा फोर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए और भी एक बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या है देखते हैं, यहाँ पे है, ये हमारा 29वां नंबर प्रश्न है। कहता है साइन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर व्हाट। देखिए यहाँ भी कन्वर्सन का आ गया, यदि यहाँ पे इसको हमको किस में परिवर्तन करना है तो साइन इनवर्स में, यानी कि टैन इनवर्स एक्स बटा वन बराबर टैन इनवर्स, हम इसको लंब बटा आधार कह दें तो हमारा हो जाएगा लंब बराबर एक्स, आधार बराबर हो जाएगा एक, यहाँ से कर्न निकाल लें तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यानी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब हम कन्वर्सन कर सकते हैं क्या, टैन इनवर्स लंब बटा आधार बराबर साइन इनवर्स लंब बटा कर्न होता है, यानी कि हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स बटा वन बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अब हम सॉल्यूशन करना चाहें तो साइन ऑफ टैन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, एक्स बट्टा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 29वां नंबर प्रश्न था इस सेशन में। ठीक है, ज़्यादा कीजिएगा तो आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज कर ले, इसे थीटा मान ले, और ये लंब बराबर एक्स कर सकते हैं, आधार बराबर एक, तो हमें यहाँ कर्म निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए एक प्रश्न बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा, ये 30 नंबर प्रश्न है। कहता है यहाँ टैन है, यहाँ साइन है, इनवर्स है 3/5 और प्लस है कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, बराबर व्हाट। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, सॉल्यूशन होगा यदि इसको हम टैन इनवर्स में बदल दें। ठीक है, और इसको भी टैन इनवर्स में बदल दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स लंब बटा आधार बराबर जो होता है टैन इनवर्स लंब बटा ये आधार होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स हो जाएगा 3/5 बराबर, यहाँ पर इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको एंगल ले लो थीटा, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा 3 और ये कर्ण हो जाएगा 5, तो ये आधार निकालना होगा हमको 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा हमारा ये टैन इनवर्स 3/4। ठीक है, इसका एक तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम कॉट इनवर्स 3/2 यानी बोले तो कॉट इनवर्स आधार बटा लंब बराबर जो होता है टैन इनवर्स लंब बटा आधार होता है। ठीक है, यानी कॉट इनवर्स 3/2 बराबर जो होता है ये टैन इनवर्स 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो हो गया ये हो गया टैन इनवर्स 3/4 और प्लस हो गया टैन इनवर्स 2/3, यहाँ फार्मूला लगा देंगे हम, टैन इनवर्स ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 गुने 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा टैन इनवर्स, ये हो जाएगा 3 × 9 और ये हो जाएगा 9 × 17, ये 4 × 3 = 12 और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 माइनस 6/12। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम टैन इनवर्स 17
और बटा लिख सकते हैं हम 6। तो यहाँ पर है हमारा टैन लगा हुआ है, यानी कि टैन ऑफ ये हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स, ये हो जाएगा 17/6। ठीक है, 17/6 यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 17/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं हम 31वें नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 31वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि टैन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 बराबर 8। ठीक है, देखिए इस तरह का प्रश्न में तो टैन इनवर्स है हमारा √3 और यदि कॉट इनवर्स माइनस समाप्त करना हो तो पाई माइनस इसको लिखते हैं कॉट इनवर्स √3। ठीक है, ये हो जाएगा टैन इनवर्स √3 और माइनस पाई और प्लस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। ये दोनों का टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 माइनस पाई इसका आंसर लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो है यदि आपका कंसेप्ट बेहतर हो तो उसे हम बिल्कुल आराम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों कुछ प्रश्न और देखते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम कुछ और सिलेक्टेड प्रश्न। ठीक है, देखा जाए और भी बेहतरीन प्रश्न हमने जो सिलेक्ट किया है वह क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न हमको लग रहा है, कहता है ये 32वां नंबर प्रश्न है हमारे सेशन का। ठीक है, क्या है देखिए, कहता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 5। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर व्हाट, कुछ नहीं करना है, आप चाहिए तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ठीक है, यानी कॉस इनवर्स एक्स बराबर जो हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसका वैल्यू बैठा दीजिए पाई बाई 2 माइनस ये पाई बटा 5, एलसीएम 10 हो जाएगा, यह 5 पाई माइनस 2 पाई यानी कि 3 पाई बाई 10। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना ज़रूरी है, ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये फार्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में ये फार्मूला बहुत ही काम देता है। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मुझे लग रहा है। ठीक है, 33वां नंबर प्रश्न है, क्या है देखिए, कहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान ठीक है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सॉल्यूशन किया जाए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इजिकल टू 2 यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ साइन इनवर्स हमारा x है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, और ये साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 यानी इसका आंसर जो आएगा पाई बाई 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, क्योंकि ये सब प्रश्न मुझे जो अच्छा अच्छा लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है उन्हीं सब प्रश्नों को मैं सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, एक और प्रश्न मुझे काफ़ी अच्छा प्रश्न लग रहा है। ठीक है, देखिए 34वां नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, 34वां नंबर प्रश्न क्या है, कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3। ठीक है, तब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर व्हाट। ठीक है, यदि देखिए इसे हम एक्स मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 और इधर हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर एक्स। इसे यदि ऐड कर दें तो ये दोनों मिलके हो जाएगा पाई बाई 2 और ये दोनों मिलके हो जाएगा पाई बाई 2 और प्लस हो जाएगा 2π/3 प्लस एक्स यानी कि
ये हमारा जो है एक्स बराबर हो जाएगा ये पाई माइनस टू पाई बटा थ्री, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा पाई बटा थ्री, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल मुझे लगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अब 35वां नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देख क्या कहता है, कहता है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स फाइव प्लस कौशेक स्क्वायर कॉट इनवर्स फाइव बराबर वाट। ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन किया जाए। तो सबसे पहले इसको सेक इनवर्स में बदल दो और इसको है ना कौशेक इनवर्स में बदल दो, ठीक है। बदलने के लिए क्या है, वही फार्मूला टैन इनवर्स लंब बटा आधार बराबर हमारा सेक इनवर्स कर्ण बटा आधार होता है, तो हमारा टैन इनवर्स पाँच बटा एक बराबर ये हो जाएगा पी बराबर पाँच और बी बराबर एक, यहाँ से आप कर्ण निकाल लो तो हो जाएगा पपचे पच्चीस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा पच्चीस प्लस एक तो हो जाएगा रूट छब्बीस, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स पी बटा बी बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एच बटा बी, यानी कि हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स ये अंडर रूट छब्बीस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है कॉट इनवर्स फाइव, ठीक है। तो कॉट इनवर्स फाइव यानी कि हो जाएगा कॉट इनवर्स आधार बटा लंब, यानी कि बी बराबर हो गया पाँच और पी बराबर हो गया एक, तो एच बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी एच बराबर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा पच्चीस प्लस एक, यानी ये भी छब्बीस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स आधार बटा लंब बराबर कौशेक इनवर्स कर्ण बटा हमारा आधार हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि कॉट इनवर्स रूट फाइव फाइव बराबर जो हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा कौशेक इनवर्स हो जाएगा रूट छब्बीस। अब देखिए सॉल्यूशन निकालना आसान हो गया, इधर है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स फाइव प्लस है कौशेक स्क्वायर और ये हमारा है कॉट इनवर्स है फाइव, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स रूट छब्बीस और प्लस ये हो जाएगा हमारा कौशेक स्क्वायर और ये हो जाएगा कौशेक इनवर्स रूट छब्बीस। इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा रूट छब्बीस का होल स्क्वायर और प्लस ये रूट छब्बीस का होल स्क्वायर, हो जाएगा छब्बीस प्लस छब्बीस, इसका आंसर हो जाएगा बावन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में हमने देखा इम्पोर्टेंट प्रश्न इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, इससे ज़्यादा प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आज का क्लास यदि आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।